हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूजेसी स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ 10th क्लास की मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 6.3 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों में युग्मों में से कौन से युग्म समरूप हैं और उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, साथ ही समरूप त्रिभुजों को संकेतिक में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इस तरीके से ये जो है ये हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या करना है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे देखते हैं समरूपता हमें चेक करनी है। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे त्रिभुज दिया गया है ABC, यहाँ पे दिया गया है PQR। ठीक है, ये दो क्वेश्चन जो है वो हमको दिए गए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बात करते हैं कोण A की, तो यहाँ पे कोण P जो है वो बराबर है। ठीक है, दोनों ही कितने के हैं, 60 के हैं। यहाँ पे बात करते हैं कोण B की और यहाँ पे बात करते हैं कोण Q की, तो दोनों ही बराबर हैं, कितने के हैं, 80 के। यहाँ पे बात करते हैं C की, यहाँ पे बात करते हैं R की, दोनों ही कितने के हैं, 40 अंश के हैं। तो एंगल हमारे सारे जो हैं वो कैसे हैं, बराबर हैं। एंगल जो हैं वो हमारे बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि AAA एंगल 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 समरूपता के नियम से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे AAA सर्वांग समता से। ठीक है, सर्वांग समता से, इससे क्या हो जाएगा, हमारा त्रिभुज ABC जो है वो हमारा समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, इसके PQR के। यही हमसे पूछा गया था, ये चीज़ जो है वो हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इस दूसरे वाले क्वेश्चन के, इसमें कोण नहीं दिए गए, भुजाएं दी गई हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं भुजा AB की। ठीक है, और इधर बात करते हैं इसका 2 का दुगना हमारा ये हो सकता है, 3 का दुगना ये हो सकता है, मतलब इसके अपॉन में ये भुजा हम ले सकते हैं, AB के अपॉन में QR ले सकते हैं। ठीक है, तो AB अपॉन QR, AB हमारा 2 है, QR हमारा 4 है, तो हमारा कितना आया, 1/2 आ गया। ठीक है, और हम दूसरी भुजा ले लेते हैं AC। ठीक है, इधर हम क्या ले लेते हैं, 6 वाली ले लेते हैं, AC अपॉन PQ। ठीक है, AC हमारा 3 है, PQ हमारा 6 है, 3 एकम 3, 3 दो नीचे, ये भी हमारा 1/2 आ गया। फिर हमारी कौन सी बची है, BC बची है, इधर हमारी PR बची है। ठीक है, हमने PR ले लिया, और BC हमारी कितनी है, 2.5, ये हमारी 5, तो इसको काटेंगे तो हमारा ये 2 बार में चला जाएगा, तो ये भी हमारा 1/2 आ गया। ठीक है, सारे हमारे कितने आ गए हैं, 1/2 आ गए हैं, तो हमारे भुजा हमारी सारी जो है उनका अनुपात जो है वो हमारा सेम आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अतः भुजा को गए क्या कहते हैं, SI। ठीक है, सर्वांग समता से, SSS सर्वांग समता से। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा ये त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा किसके, देखो ABC, AB में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो हमें इसका उल्टा वाला, ये वाला लेना चाहिए, ए मतलब QRP। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा, त्रिभुज QRP, इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पे जब हम देखते हैं तो 2 का दुगना हमारा 4 हो गया, 3 का दुगना हमारा 6 हो गया। देखो 2 का दुगना 4 हो गया, कहाँ गया, 3 का दुगना 6 हो गया, इसका दुगना करेंगे तो दुगना नहीं हो रहा है, हमको देखने से पता पता चल रहा है कि भाई ये समरूप नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से करके देख लो, यहाँ पे हमको साफ साफ पता चल रहा है ना कि, चलो हम इस ऐसे ही करके दिखा दे रहे हैं आपको, MP अपॉन में DE। ठीक है, इजक्ल टू 2/4 इजक्ल टू 1/2 आ गया है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर हम इसने क्या किया है, LP अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, DF। ठीक है, LP हमारा 3 है, DF हमारा 6 है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हमारा 1/2 हो गया है। अगर ये निकालते हैं क्या है, LM। ठीक है, LM अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, क्या बचा है, EF। ठीक है, EF देखते हैं तो ये हमारा 2.7 है और ये हमारा 5 है, कटेगा नहीं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः त्रिभुज
कौन सा है हमारा एल एम पी ये सर त्रिभुज कौन सा डी ई एफ के समरूप नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। तो तीन पार्ट जो हैं वो हमारे समाप्त हो गए हैं। ठीक है, जल्दी से उतार लीजिए, फिर हम करेंगे आगे के पार्ट। तो हमारे क्वेश्चन नंबर है चार। ठीक है, इसमें हम देख के ही बता सकते हैं भाई ये पाँच है, सॉरी 2.5 है, तो 2.5 का अगर हम दुगना करते हैं तो हमारा 5 आना चाहिए, 5 यहाँ पे नहीं है। चलो 4 गुना करने पर 10 तो आ गया यहाँ पे, फिर लेकिन 5 है, 5 का दुगना पर करने पर 10 आ रहा है। ठीक है, लेकिन मतलब कि ये इसका दुगना करने पे ये नहीं आ रहा है, इसका दुगना करने पे ये तो आ रहा है। अगर हम इसका 4 गुना करके ये 10 लाते हैं तो इसका भी हमें 4 गुना करना पड़ेगा, जो कि नहीं आ रहा है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप नहीं है। ठीक है, समरूप नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिख दिया। बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2.5 है, इसका दुगना करते हैं तो हमारा 5 तो आ रहा है, यहाँ पे 3 है, इसका दुगना करते हैं तो 6 तो हमारा आ रहा है। पर हम यहाँ पे देखते हैं हम इन दो भुजाओं का एंगल जो है वो ये है, जो कि हमको पता नहीं है। पर यहाँ पे इन दोनों भुजाओं का एंगल हमको 80 दिया है, जो कि पता है। और यहाँ पे ये जो भुजा दी गई है वो इसकी एक अज्ञात भुजा है, पर इस एंगल की दोनों भुजाएं जो हमारी हैं वो ज्ञात हैं। तो इसका मतलब ये भी इसके बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज जो हैं कैसे हैं, समरूप नहीं हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। ध्यान से फिर से देख लो, इन दोनों ज्ञात भुजाओं के बीच का एंगल हमें पता नहीं है, पर यहाँ पे ज्ञात भुजाओं के बीच का एंगल पता है, इसलिए हमारे समरूप नहीं है। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 70-80 दिया है, यहाँ पे 80-30 दिया है, एक एंगल हमको पता नहीं है। अगर इस त्रिभुज की ही बात कर लेते हैं, इस त्रिभुज की अगर बात करते हैं तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो हमारा कितना होता है, 180 होता है। उसमें से हमें कोण डी जो है पता है कितना है, 70 है, कोण ई पता है 80 है, और हमें एफ जो है पता नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ को एफ ही लिखते रहे हैं, और कोण एफ हम कैसे निकालेंगे, 180 में से इन दोनों का योग जो है वो घटा देंगे, क्या आएगा हमारा 7×7=14, 150 आएगा। ठीक है, घटाने पर हमारा क्या आ जाएगा, 30। मतलब कोण एफ जो है वो हमारा क्या आ गया है, 30 अंश का आ गया है। कितने अंश का आ गया है, 30 अंश का। देखो ऐसे ही हम इससे क्या निकाल लेंगे, 80 और 30 को जोड़ेंगे 110 हुआ, 180 में से हम 110 को घटाएंगे तो हमारा 70 आ जाएगा। ठीक हो, ऊपर 70, इधर भी 70, इधर 80, इधर 80, इधर 30, इधर 30, सेम कोण हमारे हो गए हैं पहले वाले क्वेश्चन की तरह। हम तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोण डी बराबर कोण पी बराबर 70 अंश, कोण ई बराबर कोण क्यू बराबर 80 अंश, और कोण एफ बराबर कोण आर बराबर 30 अंश। ठीक है, तो हमारे सारे एंगल बराबर हैं, तो कौन सी समरूपता हमारी लग जाएगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए ए ए समरूपता से। ठीक है, समरूपता से। ठीक है, इस समरूपता से हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ये कौन सा था, डी ई एफ समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, इतना ही प्रूफ करना था, और हमारे सारे क्वेश्चन जो हैं वो हो चुके हैं। उम्मीद है क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी। तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। लाइव क्लास लेनी है तो 2.0 वाले चैनल पे आ जाइएगा, और साथ में अगर साइंस पढ़नी है साइंस वाले चैनल पे आ जाइएगा, ब्लॉग देखना मत भूलेगा। तो भाई आज की क्लास में बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।